लाड़ा लाड़ा हुई पई है पिछले दो हफ्तों तो यूके नूं लैके, स्पैशली वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पाउस दे नाल जाना, अपने परिवार दे नाल जाना, क्योंकि समा बहुत तो थोड़ा रह चुका। सितंबर इनटेक लास्ट इनटेक है, उस तो बाद अगला जनवरी इनटेक, जिस विच स्पाउस आप दे नाल नहीं जा पाएगा। अगर स्पाउस के बच्चे नाल जाना तो यह 15 जून तुहाड़े लई जिंदगी दी एक लास्ट तरीक हो सकती है, जिस तुसीं आपके परिवार नाल यूके जा सकते हो। सत श्रीकाल जी सारे, मैं थोड़ा अपना सुख चैन राही आर एस ग्लोबल इमीग्रेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम राही हर बार यूके संबंधित अपडेट तुहाडे नाल सांझियां करदा, मिठियां कौड़ियां नवी नवी गल्लां करन दी कोशिश करदा, ताकि तुसीं अपने भविख संबंधी एक चंगा फैसला लै सको। लाड़ा लाड़ा होई पई है पिछले दो हफ्तों तो यूके नूं लैके, स्पैशली वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पाउस दे नाल जाना, अपने परिवार दे नाल जाना, क्योंकि समा बहुत थोड़ा रह चुका। सितंबर इनटेक लास्ट इनटेक है, उस तो बाद अगला जनवरी इनटेक, जिस विच स्पाउस आप दे नाल नहीं जा पाएगा। स्टूडेंट इकला जा पाएगा, जिवें अज हसबेंड दे नाल वाइफ चली जाती या वाइफ दे नाल हसबेंड चले जाता, नाल बच्चे चले जाते हैं, वो सब वर्तारा बंद हो जाएगा सितंबर तो बाद। पर इतने खुशखबरी दस दें, दो तीन यूनिवर्सिटीज़ इदां दी भी ने जिन्हां दे अक्टूबर और नवंबर च कुछ एक प्रोग्राम्स ओपन होंगे, MBA इन बिजनेस, MBA इंटरनेशनल मार्केटिंग, इदां दे प्रोग्राम दो तीन ओपन होंगे, बट चुनिंदा यूनिवर्सिटी। सो मान के चलो भी 90% यूनिवर्सिटीज़ सितंबर तो बाद जनवरी विच इनटेक ओपन कर दियां ने, जनवरी विच स्पाउस नाल नहीं जा सकता। अज जून दे असीं लगभग दूजे हफ्ते पहुँच चुके हैं, और मैं लगता कि 15 जून तो बाद अगर कोई केस अप्लाई होंदा तो उन्हें सितंबर इनटेक मिलना 50-50 चांस है, चाहे आर एस ग्लोबल को अपलाई करो, चाहे किसी भी कंसल्टेंट तो अपलाई करो। टैक्निकली गल समझने की कोशिश करो दोस्तों, अज स्पाउस वाले बच्चे लिए 15 जून तो पहला अपलाई करना क्यों लाजमी है। 15 तो लैके 20 दिन ऑफ लैटर आँदी, अगर तुम 15 जून तो बाद अपलाई करते हो, यानी कि ऑफ लैटर जाके जुलाई के पहले हफ्ते आनी है। उस तो बाद यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू क्लीयर करनी है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, उन्होंने भी 10-15 दिन लग सकते हैं, 15 जुलाई पै गई। फिर तुम अपना मेडिकल करा के फंड्स 28 दिन पुराने करके आपका कैश लैटर अपलाई करना, लग गए 10 तो 15 दिन। तरीक आ गई अगस्त की पहला हफ्ता। फिर तुम आपका कैश अपलाई करना, कोई यूनिवर्सिटी 10 दिन च कोई 15 दिन दिंदी है, आ गई ताकि 15 अगस्त। 15 अगस्त तो बाद कदों वीज़ा अपलाई करोगे, कदों वीज़ा आएगा, कदों टिकट लोगे, कदों अपलाई करोगे, सितंबर के पहले हफ्ते तो क्लासा शुरू है। इनकेस रब ना करे किसी गलों ऑफर डिले हो गई, पहली बार इंटरव्यू क्लीयर नहीं हुई, दूजी बार लैना पै गया मौका, या कैश में टाइम लग गया, या तुहाडे फंड्स पुराने नहीं, पुराने करन नूं टाइम लग गया, जिहड़ी वो तुहाडी 15 अगस्त की डेडलाइन है वो टप के अपने अगर सितंबर के पहले हफ्ते आ गई तो ऑटोमैटिकली केस डैफर हो जाएगा जनवरी 2024 लई, कोई स्पाउस नहीं जा पाएगा फिर। इस करके स्पैशली उन्हां बच्चों लिए चेतावनी है, एक मेरा एज आ ब्रदर, एक एज आ वैल विशर तुहाडे लई मैसेज है, अगर स्पाउस के बच्चे नाल जाना तो ये 15 जून तुहाडे लई जिंदगी दी एक लास्ट तरीक हो सकती है, जिस तुसीं आपदे परिवार नाल यूके जा सकते हो। 15 तक भी रिस्क है, 15 जून वाले भी ये ना सोचन भी 100% सितंबर मिलेगा मिलेगा, रश ज़्यादा पिया। हुण अज PT दे नाल बच्चा आउंदा नहीं, मेरे 57 स्कोर है, नॉट लैस दैन 53-54, सिर्फ एक या दो यूनिवर्सिटीज़ PT चो 55 या 54 स्कोर अक्सैप्ट करदियां ने, बाकी सारिया 90% यूनिवर्सिटीज़ 59 स्कोर मंगदियां ने। और पंजाब विच तकरीबन 80% बच्चों के जिहड़े 59 तो उपर स्कोर नहीं होंदे, 59 तो थले है, 57-55-56 इत्थे तक स्कोर है जिंदे बच्चों के। जिस बच्चे ने आइल्स किया 6 बैंड ओवरऑल 5.5 चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी के बैंड रिक्वायरमेंट आइल्स ही इन्नी है, बट PT की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की 59 या 59 तो अभाव है। जिन्हें बच्चों ने ग्रैजुएशन की 2018-19-20 कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें ग्रैजुएशन 2014-15 या 13 पास आउट है, यानी कि 10 साल हो गया जो ग्रैजुएशन किए, एक या दो यूनिवर्सिटीज दाखला दिंदियां ने, हुण उहदे विच भी अलग अलग PT की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग अकैडमिक स्कोर की रिक्वायरमेंट है। इस करके दोस्तों 15 जून तो पहला अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर लो, ये वीडियो अगर 15 जून तक देख रहे हो बहुत वधिया गल है, 15 जून तो बाद देख रहे हो फिर फस्ट कम फस्ट सर्विस तुहाडी किस्मत कि असीं तुहाडा केस सितंबर इनटेक थ्रू कर पाउने या नहीं कर पाउंदे, क्योंकि डिपेंड यूनिवर्सिटी एडमिशन दी सीट्स किन्नियां खाली है। अज तकरीबन साढ़े को 17-18 यूनिवर्सिटीज़ ने जिहदे च तुसी विदाउट आइल्स भी पढ़न जा सकते हो, बिना इंटरव्यू तो भी पढ़न जा सकते हो, केवल 3000 पाउंड फीस पे करके भी जा सकते हो, बट ठीक है वो लंडन च बर्मिंगम च नहीं है, स्कॉटलैंड च ग्लासगो च यूनिवर्सिटी है, कोई इंटरव्यू नहीं देनी तुहाडे, अगर 6.5 बैंड है ओवरऑल, नॉट लैस दैन 5.5 बैंड, डायरैक्ट तुहानू विदाउट इंटरव्यू ऑफ लैटर मिलेगा,
आपकी 3000 पाउंड फीस पे करके तुम आपका कैश लैटर लै लो, आपका वीज़ा अप्लाई करो, बाकी की फीस वीज़ा लगन तो बाद दे सकते हो। स्पाउस नाल जा सकता, बच्चे नाल जा सकते हैं, ये बड़ी ऑप्शन किसी मंच से किसी कंसल्टेंट ने नहीं देनी। अज इस ओपरचुनिटी अवेल कर दो तो जिंदगी दे एक ऐसे मुकाम ते पहुँच जाओगे जिथे कभी 2 साल बाद चेते करोगे सरदार दी वीडियो वेख के ये गल पल्ले बन्नी सी अज किसे मुकाम ते पहुँच के। नवी अपडेट लैके यूके संबंधी फिर थोड़े रूबरू हाजिर हूँ, पर इस गल का ख्याल रखियो इस टाइम समय समा जिन्हें संभाल रहा वक्त वह नवी वीडियो लैके नवे अपडेट के नवे कंटेंट फिर थोड़े रूबरू हाजिर हूँ। तद तक जुड़े वास्ते रब रखा, सत श्री अकाल।